how to make professional thumbnail like decoding YT YouTube Sensei and Step Grow इनके जैसे thumbnail आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं और इनके जैसे thumbnails बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस तुम्हें इस वीडियो पूरा देखना है। ये बड़े बड़े क्रिएटर इस तरह की thumbnails कैसे बनाते हैं, तुम लोग भी इस तरह की thumbnail आसानी से बना सकते हो। जब हमने बड़े क्रिएटर के चैनल को एनालाइज किया तब हमारे सामने एक चीज देखने को मिली, लाइक उनके थंबनेल काफी प्रोफेशनल एंड ग्लोइंग इफेक्ट होते हैं जो किसी भी व्यूवर्स को अपनी वीडियो पर क्लिक करने में मजबूर करते हैं। दोस्तों, हमें पहले थंबनेल्स के आइडिया को समझना है, जैसे कि आपकी थंबनेल किस टॉपिक पर है, उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें मटेरियल इकट्ठा करना है। आप जिस मटेरियल का यूज करने वाले हो उसका HD क्वालिटी में होना बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके थंबनेल को प्रोफेशनल बनाने में। अब सवाल आता है, HD मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें? तुम्हारे इस क्वेश्चन का भी आंसर मेरे पास है, बस तुम्हें इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने जो हाई क्वालिटी HD मटेरियल इस वीडियो में यूज किए हैं उसकी डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, हम आने वाले एक वीक अंदर आपको प्रोफेशनल ग्राफिक्स डिजाइनर बना देंगे, बस आपको हमारे FF टेक्निकल सैंटोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहले तुम ये स्क्रीनशॉट देखो, ट्यूब सेंसई 3.7 मिलियन व्यू, डिकोडिंग YT 2.7 मिलियन व्यू, स्टेप ग्रो 2 मिलियन व्यू। आखिर इन लोगों का सीक्रेट क्या है जो उनके चैनल को इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है? तो रीजन है उनके थंबनेल लाइक प्रोफेशनल एंड ग्लोइंग इफेक्ट थंबनेल होते हैं जो किसी भी व्यूअर को आपने वीडियो पर क्लिक करने में मजबूर करते हैं। तो चलो यार, वही थंबनेल को हम बनाने वाले। हम सबकी पहली पसंद पिक्सल लैब। पिक्सल लैब ऐप को ओपन करने के बाद हमें ऊपर की साइड 3 डॉट है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें इमेज साइज पर क्लिक करना है, अब कस्टम पर क्लिक करना है, उसके बाद यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर ओके कर देना है। इस टैग्स को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है, उसके बाद हमें ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है। नीचे के साइड ब्लैक और बैकग्राउंड के बहुत सारे यहाँ कलर है, मैं जल्दी से एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लैक बैकग्राउंड को ले लिया। अभी हमें इसके अंदर एक ग्राफ की PNG को ऐड करने वाले, हमें ऊपर के साइड प्लस वाले आइकॉन को क्लिक करना है, उसके बाद में मेरा ग्राफ यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आप टेंशन मत लो, ग्राफ की PNG में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप अपने हिसाब से ग्राफ को एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से ग्राफ को ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए उस तरह मैं मेरे ग्राफ को ऐड करता हूँ। अब अपने हिसाब से ग्राफ को ऐड कर सकते हो। और देखो दोस्तों, मैंने ग्राफ की PNG को अच्छी तरह से ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें हमारे पिक्सल लैब ऐप की PNG को ऐड करना है, जो कि हमारे थंबनेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर PNG को ऐड करने के बाद हमें PNG को कुछ इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से इसको फिट कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर लेना। लोगों को क्लिक करने के बाद हमें राइट साइड को स्लाइड करना है। उसके बाद यहाँ पर 3D इफेक्ट को क्लिक करने के बाद हमें लोगो को 3D इफेक्ट देना है। 3D इफेक्ट देने के लिए आपको यहाँ पे ऑन करना है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ एडजस्टमेंट के ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर हमें एक एक को थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना है कि हमारा 3D इफेक्ट परफेक्ट है या नहीं। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करो, कर सकते हो। मैं मेरे हिसाब से 3D इफेक्ट को एडजस्ट करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो हमने हमारे लोगों को 3D इफेक्ट को कितने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर किंग वाली PNG को ऐड कर लेना है। आप देख सकते हो PNG को हमने यहाँ से ऐड कर लिया और हमें PNG को पिक्सल लैब ऐप के लोगों के ऊपर इस तरह से फिट करना है जो कि काफी अच्छा लगे और बेहतर लगे। आप देख सकते हो मैंने PNG को अच्छी तरह से ऐड कर लिया है। अभी हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें नीचे मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारी किंग की PNG और पिक्सल लैब की PNG दोनों एक साथ लॉक हो जाएंगी। मतलब हम किसी भी PNG को मूव करेंगे तो हमारी दोनों PNG एक साथ मूव करेगी। अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना है। अब मैं यहाँ थंबनेल टेक्स्ट लिख लेता हूँ और इसे ओके कर देना है। आप अपने हिसाब से अपना टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पर हम इसको इस साइड से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं इसको एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब हमें इसको कोई अच्छा सा फ्रंट लगाना है जो मुझे पसंद आता है, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी देखो हमें इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमें दूसरे टेक्स्ट को ऐड करना है। माई टेक्निक्स टेक्स्ट को जल्दी से टाइप करता हूँ। फिर वही प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। इसको भी हमें फ्रंट वाले ऑप्शन पर जाकर हमें फ्रंट सेलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से इसको फ्रंट लगा सकते हो।
मैं मेरे हिसाब से फॉन्ट यहाँ पर लगाने वाला हूँ। मैंने फ्रॉन्ट को ऐड कर लिया है, हमें इसको थोड़ा छोटा करके इस बड़े वाले टैग्स के नीचे अच्छे से सेट करना है, जैसे हमारे थंबनेल एकदम अट्रैक्टिव और बेहतर लगे। अब दोस्तों बात आती है मेन पॉइंट कि टैग्स को कलर ग्रेडिंग कैसे करें। दोस्तों डरना मत, कलर ग्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। चलो मैं आपको बताता हूँ। कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको सिंपल से नीचे स्लाइड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपके यहाँ पर अपने हिसाब से कलर करना है। मैं यहाँ पर ग्रीन वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद हमें इसको थोड़ा नियॉन ग्लोइंग इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पर हमें आगे जाना है, यहाँ पर स्ट्रोक वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना और यहाँ पर आप कौन सा भी स्ट्रोक का कलर लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल ब्लैक कलर ही सेलेक्ट करता हूँ। हमें थोड़ा और स्लाइड करना है और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें शेडो का ऑप्शन दिख रहा है। शेडो को भी इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का कलर इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं सिंपल ब्लैक ही सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों अब हमें मनी पीएनजी को ऐड करना। अभी हम मनी पीएनजी को ऐड करने वाले। तुम लोग तुम्हारी जो भी पीएनजी है उसे ऐड कर लेना। तुम उस पीएनजी को थोड़ा फार एडजस्ट भी कर सकते हो क्रॉप करके। मैं सिंपल से इसको कुछ इस तरह रोटेट करके यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर हमें लोगों के नीचे अच्छे से फिट करना है ताकि हमारा लोगो रियलिस्टिक लगे कि पैसे के ऊपर है। अभी हमें इसके डुप्लीकेट करना, यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। हमें इसके 2-4 कॉपी कर लेते हैं, इसका मतलब हमें अच्छे से इसको फिट कर सके। मैं कुछ रेयर कॉपी कर लेते हूँ और जो कॉपी करने के बाद हमें कुछ मनी पीएनजी को लोगों के पीछे लगाना है। लोगों को पीछे लगाने का एक सिंपल तरीका है, आपको मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, अभी इसको हम इसके पीछे लगाना है। एक सिंपल तरीका है, ऊपर की साइड लेयर को क्लिक करके ये वाली लेयर को नीचे खींच लेना। ठीक है, वैसे हम दूसरे वाले लेयर के साथ करते हैं, आपको ये अच्छे से फिट कर लेना है। चलो फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। ऊपर लेयर पर क्लिक करना है, फिर ये वाले लेयर पर क्लिक करने के बाद उस लेयर को हमें लोगों के नीचे ले आना है कि हमारा जो लोग हैं वह पैसे के ऊपर ऐसा लगे। इसी से हमारा लोगो रियलिस्टिक लगेगा, लोगों को और थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं। चलो मैं बताता हूँ, हमें लोगों के नीचे थोड़ा सा शेडो ऐड करना है। शेडो ऐड करने के लिए हमें यहाँ ड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है, इस ब्लैक कलर को पूरा ब्लैक कर लेना। ब्लैक करने के बाद हमें नीचे स्लाइड करते हुए रेडियस को पूरा बढ़ा देना है। उसको बढ़ाने के बाद हम लोगों के नीचे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। देखो मैंने किस तरह से ड्रॉ कर लिया, आप थोड़े उसको अच्छे से कर लेना। अब ये ब्लैक कलर को एएची एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना है। यहाँ मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। लेयर पर जाना है, लेयर पर जाने के बाद हमने जो ड्रॉ किया था उसको हमने पकड़ के नीचे आना है। अभी ये लोगों के पीछे चला गया है तो हमें लोगों के ऊपर लगाना ठीक है, पैसों के ऊपर, लोगों के पीछे। दोस्तों मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अच्छे से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छे से फिट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो अभी देखो लोगों पैसे के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है और एकदम रियलिस्टिक फील हो रहा है। आपको इस लेयर अच्छे से एडजस्ट कर लेना और हमें सभी लेयर को यहाँ पर लॉक कर देना है। मतलब अगले वाले पीएनजी को ऐड करते समय हमारी लेयर इधर उधर मूव ना करे। मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया। अब अभी बारी आती है हमारे मेन पार्ट की, जो हमारे थंबनेल के मेन एलिमेंट्स की, जो हमारे थंबनेल को अच्छे से लोगों को समझा सके। मैं भी मेरे मेन पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ जिससे मेरी थंबनेल लोगों का समझ में आए। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी थंबनेल को यहाँ पर ऐड कर लिया है ताकि लोगों को समझ में आएगा ये बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी थंबनेल को पिक्सल लैब में बनाते हैं। और इस चीज़ को लोगों को अच्छे अच्छे से समझने के लिए हमें एक एरो को ऐड करना है, जो कि हम थंबनेल से लेकर पिक्सल लैब के साथ ऐसे कनेक्ट करने वाले हैं जो हमारे ऑडियंस को समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। फिर जैसे कोई व्यूअर हमारी थंबनेल को देखेगा तो हमारे वीडियो को क्लिक किया बिना नहीं रहेगा। ये होता है एक क्लिकेबल थंबनेल, मतलब एक हाई सीटीआर थंबनेल। आप देख सकते हो हमने एरो को कितनी अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया। अब हमें इसको ऊपर की साइड जाकर यहाँ सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे अल्ट्रा पर सेव करके हमें हमारे थंबनेल को सेव करना है और आप देख सकते हो हमारे थंबनेल का फाइनल लुक कितना अच्छे से बन गया है। आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और आपने FF टेक्निकल संतोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना और हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरा देखा।